हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास है रेडमी बड्स 3 लाइट और ये रेडमी के बड्स है जो 3 आया था उसका लाइट वर्जन है। इसकी एमआरपी है 3000 बट आपको ये अमेजोन पे इजीली 1675 और MI.com पे 1999 में मिल जाएगी। इजीली 2000 के आसपास आपको मिल जाएगी, 2000 या 1700 के आसपास, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। मैं आपको इसका फुल रिव्यू अनबॉक्सिंग एंड बॉक्स कंटेंट इसमें दिखाऊंगा। तो है इसका कुछ बॉक्स, सामने की तरफ है लिखा है रेडमी बड्स 3 लाइट, MI की ब्रांडिंग, स्लीक एंड स्टाइलिंग डिजाइन। अब ब्लूटूथ 5.2 है, इसमें लेटेस्ट ब्लूटूथ का वर्जन है, लो लेटेंसी मोड है, IP54 रेटिंग है और टाइप सी चार्जिंग है। साइड में लिखा है रेडमी बड्स 3 लाइट रेडमी बाय शाओमी, इस तरफ भी सेम लिखा है। और पीछे की तरफ है इसके कुछ बॉक्स कंटेंट, 1 यूनिट ईयरफोन पेयर, यूजर मैनुअल, चार्जिंग केस, इंफॉर्मेशन कार्ड और ईयर टिप्स, 3 पेयर है इसमें, ईयर हुक्स 2 पेयर से, और इसमें चार्जिंग केबल नहीं आता है, सो ये आपको नोट करना पड़ेगा। कंपनियां चार्जिंग केबल क्यों निकाल देती है बॉक्स में से, बट ये जो प्राइस पे आ रहे है उस प्राइस पे तो ये अच्छा ही है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये थे इसके बॉक्स कंटेंट, ये है इंफॉर्मेशन कार्ड, यहाँ पे इसकी यूजर मैनुअल आप देख सकते हैं, कनेक्ट डिस्कनेक्ट रीसेट के लिए, और ये है 2 पेयर ऑफ ईयर टिप्स एंड 1 पेयर ऑफ ईयर हुक्स इसकी फिटिंग्स के लिए। तो ये सब को रखते हैं साइड में। ये है हमारा एक्चुअल ईयरफोन। पीछे की तरफ रेडमी की ब्रांडिंग है, आगे की तरफ चार्जिंग इंडिकेटर है। चार्जिंग ब्लिंक करेगा। अंदर की तरफ रखे हैं हमारे ईयरफोन। इसको निकालते हैं बाहर। अंदर की साइड कुछ डिटेल दी गई है, BSI मार्क्स, IMEI नंबर। तो इसके ऊपर से हम प्लास्टिक रिमूव करते हैं। केस में डालते ही ये ऑन हो गए, बाहर निकलते ही ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएंगे। तो काफी अच्छी डिजाइन और कॉम्पैक्ट है, आप अपनी जेब में डालेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है। अब मैं इसका साउंड टेस्ट करता हूं।